हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस इलेक्ट्रिकल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्री या घर या ऑफिस में 230 वोल्ट पावर सप्लाई कहां से आती है। यदि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि सॉकेट तक 230 वोल्ट पावर सप्लाई कहां से आती है, तो मैं आपको इसका बिल्कुल सही आंसर बता देता हूं। किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले 11 kV या 33 kV पावर सप्लाई जियो स्विच में आती है। जियो स्विच को हम जियो AB स्विच भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि जियो और जियो AB स्विच क्या होता है। जियो स्विच की फुल फॉर्म होती है गैंग ऑपरेटेड स्विच, और जियो AB स्विच की फुल फॉर्म होती है गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच। कुछ लोग इसे रिलायंस जियो समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जियो स्विच से पावर सप्लाई एस्टीमीटर में जाती है, एस्टीमीटर से सप्लाई VCB में जाती है, और VCB की फुल फॉर्म होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। VCB से पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर की इनपुट यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जाती है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर की इनपुट तक हमारी इंडस्ट्री में ST पावर सप्लाई रहती है, और ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट से हमारी LT पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लो वोल्टेज या लो टेंशन पावर सप्लाई कहते हैं। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट से पावर LT पैनल रूम में ACB में जाती है। ACB की फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर, और ACB से सप्लाई MCCB में जाती है। MCCB की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। MCCB से पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारी मेन TPN लगी होती है। TPN की फुल फॉर्म होती है 3-phase न्यूट्रल। TPN से पावर सप्लाई RCCB या ELCB या RCBO में जाती है। इनमें से हम अकॉर्डिंग टू सेफ्टी यूज़ करते हैं। इसके बाद पावर सप्लाई सिंगल पोल MCB में जाती है, और MCB से सप्लाई स्विच में जाती है, और स्विच से पावर सप्लाई सॉकेट में जाती है।